हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप आर्य एंड यू आर वाचिंग अवर चैनल लाइक इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे, आज हम जानेंगे यूज ऑफ स्टेटिव। जो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज बनाई हुई थी उसमें मैंने वर्ब के बारे में अच्छे से डिफाइन किया है कि वर्ब कितने प्रकार होती कौन कौन से। लेकिन आज हम जानेंगे कि स्टेटिव वर्ब्स क्या होती है। स्टेटिव वर्ब डिस्क्राइब अ स्टेट रेदर देन एन एक्शन। कि स्टेटिव वर्ब्स वो क्रियाएं होती हैं जो किसको, एक स्थिति को, एक स्टेट को दर्शाती है, ना कि किसी एक्शन को दर्शाती है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के द्वारा किया गया है। आगे जान लेते हैं कि ये कितने प्रकार की होती है। चार प्रकार की होती है। थॉट एंड ओपिनियन से रिलेटेड होती हैं, फीलिंग्स एंड इमोशन से रिलेटेड होती हैं, सेंसेस एंड परसेप्शन से रिलेटेड होती हैं, पोजेशंस एंड मेजरमेंट से रिलेटेड होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो एग्री, बिलीव, डाउट, गेस, इमेजिन, नो, मीन, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर, सस्पेक्ट, थिंक, अंडरस्टैंड। ये सारे किससे रिलेटेड होती है? थॉट एंड ओपिनियन से, ठीक है। डिसलाइक, हेट, लाइक, लव, प्रीफर, वांट, विश, ये सब किससे होती है? फीलिंग्स एंड इमोशन से जुड़ी होती है। अपीयर, बी, फील, हियर, लुक, सी, सीम, स्मेल, टेस्ट, ये किससे रिलेटेड होती है? सेंसेस एंड परसेप्शन से रिलेटेड होती है। बिलोंग, मेजर, पर्सेस हुए, रिलेटेड होती है पोजेशंस एंड मेजरमेंट्स से। तो यहाँ पर जितने भी सारी वर्ब्स लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी स्टेटिव वर्ब्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसको वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, इनको वर्ब के रूप में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। यहाँ पर ये क्या है? स्टेटिव वर्ब्स हैं। हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे ये स्टेटिव वर्ब्स हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर स्टेटिव वर्ब्स की, कि जब हम हिंदी सेंटेंस को देखेंगे तो वहाँ पर हमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रहे होंगे, ऐसे वर्ड्स दिखेंगे। जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो टेंस के रूल के अकॉर्डिंग वर्ब्स और आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। कंटीन्यूअस के किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस, मतलब कि हम इंडेफिनिट टेंस की वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पहला एग्जाम्पल, कि पहला एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है? मुझे सड़क पर कोई दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दे रहा है मतलब कहीं ना कहीं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ये देंगे आई एम सीइंग समवन ऑन द रोड, तो ये गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली, क्योंकि हमें यहाँ पर स्टेटिव वर्ब का प्रयोग करना है। तो सही क्या रहेगा? अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर, आई सी समवन ऑन द रोड, और सी क्या हो जाएगा हमारा? स्टेटिव वर्ब। दूसरा देख लेते हैं, मैं आपकी कठिनाई समझ रहा हूँ, ठीक है। आई एम अंडरस्टैंडिंग योर डिफिकल्टी, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या बनेगा ये? आई अंडरस्टैंड योर डिफिकल्टी, और अंडरस्टैंड क्या होगा हमारा? स्टेटिव वर्ब, क्योंकि एक सिचुएशन है, एक व्यक्ति की कठिनाई, उसकी कठिनाई को समझ रहा है, उसकी सिचुएशन को समझ रहा है, तो यहाँ पर अंडरस्टैंड का प्रयोग हो जाएगा। मतलब ये कहीं ना कहीं इंडेफिनिट में बन जाएगा, ठीक है। नंबर थ्री, वह प्रसन्न लग रहा था। कैसा लग रहा था? प्रसन्न लग रहा था। यहाँ पर क्या कोई एक्शन की बात की नहीं गई, यहाँ पर किसकी बात की गई? स्टेट की बात की गई, एक सिचुएशन की बात की गई है कि वो कैसा लग रहा था। तो यहाँ पर ही लुक्ड चीयरफुल, लुक्ड जो हो जाएगी हमारी क्या होगी? स्टेटिव वर्ब होगी। नंबर फोर देख लेते हैं, क्या तुम्हें घंटी सुनाई दे रही है? ये सिचुएशन है कि उसको सुनाई दे रहा है कि दे रहा है? तो यहाँ पर डू यू हियर द बेल, तो यहाँ पर हियर जो स्टेटिव वर्ब हो गया। नंबर फाइव थोड़ा इंपॉर्टेंट समझेंगे अच्छे से, ये संतरे मीठे लग रहे हैं। These oranges taste sweet. याद रखना जब भी look, taste या smell की बात हो रही होगी as a stative verb. कैसे? As a stative verb, तो वहां पर हम तुरंत उसके बाद adjective का प्रयोग करेंगे। देखिए, these oranges taste sweet. ठीक है, समझ में आ गई बात आपके। नंबर सिक्स भी एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। वह बुद्धिमान छात्र लग रहा है। उसकी सिचुएशन क्या कि वो इंटेलिजेंट है? स्टेट क्या उसका कि वो इंटेलिजेंट है? कैसे बनेगा? He appears to be an intelligent student. याद रखेंगे कि जब भी appear या seem आएगा तो उसके बाद तुरंत हम to be का प्रयोग कर देंगे। किया हमने? He appears to be an intelligent student. Clear? तो हमने आज जान लिया कि stative verbs क्या होती हैं। Stative verbs वो होती है जो किसी action को show नहीं करती हैं, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के द्वारा किए गए कार्य को शो नहीं करती हैं, उनकी सिचुएशंस को शो कर रही होती हैं, उनके स्टेट को शो कर रही होती हैं, वो स्टेटिव वर्ब्स कहलाती हैं। और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कौन कौन सी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, किन किन सिचुएशन होती हैं, किन किन से रिलेटेड होती हैं। ये सारी चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि आप एक नॉर्मल वर्ब में और एक स्टेटिव वर्ब में अंतर को पहचान पाएं। सो आई होप दैट आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका काम है, आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है, और हाँ, यदि कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करें। बने रहिए हमारे साथ लाइक इंग्लिश क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।